इवन जी, सबसे पहले बहुत सारी बधाई आपको। जिस तरह का रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से मिल रहा है कोर्ट को, एक मिनट एक मिनट आराम से यार, इंटरव्यू चल रहा है, सॉरी फिर से कर लीजिए। सो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कोर्ट को जिस तरह रिस्पॉन्स मिल रहा है, एक अनोखा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एंड मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था, काफी अच्छे अच्छे कमेंट, पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा जिस विषय पे बात चल रही है। आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह का रिस्पॉन्स आपने देखा है जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है? नहीं, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने सबको बहुत पसंद आई है ट्रेलर। yes. और ये जो ट्रेलर है, जैसे आपने कहा कि जो विषय है वो बहुत ही अद्भुत है, और वो हमने ज़्यादा देखा नहीं है आपने हमारे सिनेमा में, हमारे साहित्य में तो बहुत देखा है, लेकिन हमारे सिनेमा में इस विषय को लेकर आई थिंक लोग घबराते हैं इस विषय से, क्योंकि ये इतना गहरा हमारी जो समाज के जड़ों तक पहुँच कर बीमारी फैल चुकी है इस भेदभाव और कास्ट सिस्टम ने। तो ये इन जैसी फिल्मों को बनाना और लोगों तक पहुंचाना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सामाजिक इनइक्वालिटी है हमारे देश में और आई थिंक पूरी दुनिया में, लेकिन खास करके हमारे देश में, हमें इसे ज़रूर बदलना चाहिए ताकि भविष्य और लोगों के लिए इक्वल और इक्वालिटेरियन हो। हमारी बस यही आई थिंक हम सब की इंसानियत के दौर से उम्मीद है कि सब लोग को मौके मिले, सब लोग को अपॉर्चुनिटीज़ मिले, सब लोग के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड जिसे कहते हैं, जिस जहाँ पे इनइक्वालिटीज़ ना हो, जहाँ पे चाहे भेदभाव के कारण से, या चाहे नेपोटिज्म के कारण से, या चाहे अमीरी गरीबी के कारण से, या किसी के मज़हब के कारण से, इक्वालिटी होना चाहिए मेरे हिसाब से ज़िंदगी में और हर फील्ड में कि इक्वालिटी होना चाहिए, कि आपके मेरिट पे, आपके मेहनत पे लोगों को कामयाबी मिलनी चाहिए। ये नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि कोई ऊपरी जात का हो, या कोई अमीर घर से हो, या कोई फिल्मी खानदान से हो। मेरे हिसाब से हमारी सबकी इच्छा और उम्मीद है इस ज़िंदगी में और इस पृथ्वी पर कि हम सबको मौके अपने काबिलियत के तौर पर मिले। सर मुझे बताइए, आपने बहुत सारे कैरेक्टर थे, लेकिन ये कैरेक्टर आपके लिए कितना डिफिकल्ट और आपने कैसे अंदर इसको ढाला, आपने ये बताइए। आई थिंक इसका सबसे ज़्यादा दो लोगों का हाथ है, एक तो हमारे डायरेक्टर हैं अक्षय और दूसरे संजय जी। इन दोनों ने मुझे जिस तरीके से शेप किया, मेरे परफॉर्मेंस को मोल्ड किया, इसका मैं मतलब बता ही नहीं सकता हूँ कि मैं कितना शुक्रगुजार हूँ। अक्षय एक बहुत ही कमाल का डायरेक्टर है, उसकी जो आई थिंक, और ये भी है कि बहुत कमाल का राइटर भी है, जो बिहारी भाषा तो उसके जहन में है तो सही, तो वो बहुत ही कमाल की बोली लिखता है, बहुत ही कमाल के डायलॉग्स और कहानी लिखता है। लेकिन मुझे लगता है कि इन विषयों का और उस इलाके की जो समझ है अक्षय में, और जिस तरीके से इसने पेश किया है, वो बहुत अद्भुत चीज़ है और वो बहुत कम देखने को मिलती है, कि ये जो आवाज़ हमारे देश के अंदर से जो आती है, छोटे शहरों से आती है, गांव से आती है, ये बहुत महत्वपूर्ण आवाज़ है हमारे सिनेमा के लिए और हमारे समाज के लिए। और अक्षय जैसे फिल्म मेकर को मैं सल्यूट करता हूँ, और मुझे लगता है कि आगे बढ़कर ये बहुत कमाल का काम करने वाला है। और अभिषेक भी बहुत ही ताकतवर प्रोड्यूसर, बहुत ही अंदर से उसने ताकत ढूंढी है। ताकतवर मतलब वो इस तरह से ताकतवर नहीं है कि इसके पास कुछ बहुत बड़ी कुछ धन दौलत या कुछ बहुत कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं, उसने जो भी कमाया है, जो भी पाया है इस फिल्म से, वो अपने खुद के काबिलियत पे और खुद के मेहनत से और खुद के डिटर्मिनेशन से उसने पाया है। और मैं बता ही नहीं सकता हूँ कि इन दोनों लड़कों ने जो चीज़ को हासिल की है, जो पाया है, जो बनाया है इस फिल्म को और जो अचीव किया है, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है आगे की पीढ़ियों के लिए। yes. बहुत बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि जो इन दोनों ने जो चीज़ अचीव की है, बड़े घर के शहर में रहने वाले लड़के भी नहीं कर पाएंगे। बीवन, आपकी मैं मूवी की मैं बात करूँ, हैप्पी न्यू ईयर मैंने देखी, काफ़ी अलग किरदार था जिसमें आप कंप्यूटर से सब करते थे, एंड आज इस किरदार के बारे में बताऊँ तो ये एक अनोखा किरदार है। आपके डैड के बारे में मैं बताऊँ तो उनका भी एक अलग ही किरदार, तो उनके मार्गदर्शन पे आप कितना चलते हो? बहुत बहुत। और आपने फिल्म देखी होगी पार। yes. जो मेरे लिए एक बहुत ही गंभीर किस्म का एग्जाम्पल था
मेरे लिए, मुझे सीखने के लिए, और खास करके उनके साथ जो मैंने थिएटर में काम किया है, हमने प्रेमचंद जी और इसमत चुगताई और मंटो के कहानियों को पेश किया है एक मोनोलॉग रूप में। उसमें क्या होता है कि एक एक्टर सारे किरदारों को निभाता है, तो मैं उनको उस दिन ही बता रहा था कि जो कुछ भी मैंने उनसे थिएटर करते समय सीखा है उसे मुझे फिल्मों के काम में अपनाने का मौका मिला है। और ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, क्योंकि ये भी बहुत दिलचस्प चीज़ है कि मैंने काफ़ी रिसेंटली सीमा पावा जी के लिए जी थिएटर के लिए एक प्रेमचंद जी की कहानी की थी गुल्ली डंडा, और मैं कसम से बोल रहा हूँ कि मैंने जो किरदार माधव इसमें निभाया था उसे मैंने एक बहुत ही दिलचस्प तरीके से उसे वापस प्रकट किया उस कहानी में। सच्ची मुझे लगा कि माधव की जो आत्मा है उस किरदार में घुस गई, क्योंकि वो कहानी भी जो है गुल्ली डंडा वो कास्ट सिस्टम को डील करती है। वो एक दो लड़कों की दोस्ती की कहानी है, एक जो छोटे जात का है और एक तो जो बड़े जात का है, और जो छोटे जात का लड़का है वो कई ज़्यादा अच्छा है उससे गुल्ली डंडा गेंद में। तो मैंने सच्ची में जो कुछ भी इन लोगों से सीखा माधव के किरदार निभाते समय, मुझे उसे अप्लाई करने का मौका मिला गुल्ली डंडा में, और हमारे मेरे बाकी सब कामों में भी कई सारे, मतलब अगर किसी भी प्रकार का मुझे किरदार मिलता है प्ले करने का, जो यूपी या बिहार से हो, जो भी मैंने अपने पिताजी से सीखा है, या जो भी हमने प्ले किया था संक्रमण करके, जिसमें बहुत ठेठ अलाहाबादी खड़ी बोली जैसे बोलते हैं भाषा थी उसमें, तो मैंने उसके लिए वो सीखी और उसका थोड़ा बहुत मुझे अप्लाई करने को मिला माधव में। हालांकि माधव अलग है, जो बिहारी भाषा है वो अलग है, लेकिन एक ही जड़ से आई थिंक उगते हैं दोनों भाषा। और उसके बाद जो मैंने अलग अलग किस्म का काम किया है उसमें माधव से जो मैंने सीखा था उसमें अप्लाई करने का मौका मिला। तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि एक एक्टर की ज़िंदगी में जो कुछ भी हम सीखते हैं अलग अलग फिल्मों से और अलग अलग नाटकों से, हमें उसे इस्तेमाल करने का मौका मिलता है आगे। बीइंग एन थिएटर एक्टर कितना हेल्प करता है स्पेशली इस तरह के विषय में? काफ़ी हेल्प करता है। जब हम बात करते हैं जो बड़े पर्दे और थिएटर में फ़र्क दिखता है, बट जब हम थिएटर के बैकग्राउंड से आते हैं तो इस विषय पे काफ़ी हेल्प करता है। आपको किस तरह से हेल्प हुआ है? बहुत बहुत। आई थिंक एक अभिनेता की जो कला है और जो क्राफ्ट है वो थिएटर से ही आती है सबसे ज़्यादा। ऑफकोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि थिएटर के बिना नहीं आ सकती है, ऐसे कई हमारे पास उदाहरण हैं जो लोग जिनने थिएटर ज़िंदगी में कभी नहीं किया है और जो मंच पे कभी खड़े नहीं हुए हैं, जो बहुत उनने काफ़ी कामयाब बन चुके हैं एक्टिंग में। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से हर एक अभिनेता को थिएटर करना चाहिए, थिएटर समझना चाहिए और थिएटर से सीखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। लेकिन थिएटर में जो ट्रेनिंग मिलती है और जो आपके क्राफ्ट को जो मजबूती मिलती है वो आपको कहीं और से नहीं मिलेगी। सर बताइए कि जैसे हम कई कैरेक्टर का जब हमको मिलता है तो हमको उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती है, माइनस करनी पड़ती है, लेकिन आपके जो कैरेक्टर के अंदर आपको अपने आप को पूरा खोकर एक नया विवान आपको अपने अंदर डालना पड़ता है जी। तो क्या चीज़ें आपने इसके अंदर मतलब अपने अंदर ऐड ऑन की, या क्या चीज़ें आपने इस कैरेक्टर से सीखी और आज भी उसको आपने अपने अंदर रखा है? सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं 2 महीने के लिए मैंने इंग्लिश बोलना बंद कर दिया, मैंने इंग्लिश में सोच विचार करना बंद कर दिया, मैंने इंग्लिश में बातचीत करना बंद कर दिया। ये मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी, क्योंकि हम जो बम्बई के पले बड़े लोग हैं, हम मेरी नानी मुझे डांटती रहती थी यार कि क्या यार तुम लोग सारा अमेरिकन इंग्लिश ये सब से फिदा हो, हमारे खुद की जो कल्चर है उसमें थोड़ा सा रुचि रखो यार। तो ये एक बहुत मेरी पीढ़ी जो है ये हमारी बीमारी है कि हम बहुत इंटरनलाइज्ड कॉलोनाइजेशन जैसे बोलते हैं ना कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ के अंग्रेजी छोड़ दी उनने। तो ये एक बहुत ही हमेशा से सिर्फ कला के दौर से नहीं बल्कि इंसानी दौर से ये एक कोशिश हमेशा से रही है कि अपने जो देश की जो कल्चर है उससे और थोड़ा सा जुड़ जाएं, और जो MTV और जो अमेरिका और ये सब विलायती जो चीज़ें हैं, हालांकि हम काफ़ी फिदा थे इन चीज़ों पर, लेकिन थोड़ी सी हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो कल्चर है उसमें भी रुचि रखनी चाहिए, उसकी भी समझ होनी चाहिए,
और उसमें भी दिलचस्पी रखनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, क्या उम्मीदें है 26 मई को आने वाली है, संजय सर है आप, किस तरह की उम्मीदें नजर आ रही है? उम्मीदें यही है कि ये लोग फिल्म देखेंगे, इस विषय पर सोच विचार करेंगे और भेदभाव के बारे में, कास्ट सिस्टम के बारे में लोग थोड़ा सा सोचेंगे और होपफुली, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी कोशिश कर पाए समाज बदलने की और ऐसी बीमारियों को बंद करने की जो लोगों के, मतलब एकदम जैसे मैंने कहा कि हमारे समाज के जड़ों तक पहुंच गई है ये कास्ट सिस्टम, और बस यही उम्मीद और आशा है कि कास्ट सिस्टम हमारे भविष्य से मिट जाए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ट्रेलर को मैं बात करूं, ट्रेलर काफी अच्छा है और जिस तरह का विषय है इस मूवी में जो मैसेज देना जा रहे हैं वो एक अनोखा है। आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह रिस्पांस अब तक मिला है ट्रेलर को लेकर? ट्रेलर को तो एक्चुअली बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, मतलब ट्रेलर को एक्चुअली बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। दो ही दिन में 4.9 मिलियन हो गया था, जो कि बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि छोटी फिल्म है और बड़ी बड़ी फिल्मों को ही हम जितना देखते हैं उतनी को, मतलब वही फिल्म को इतने ज़्यादा व्यूज देते हैं, बट ऑडियंस इस फिल्म को इतना प्यार दे रही है और ये मेरी पहली फिल्म है, वो देख के भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो आप प्यार दे दीजिए, सपोर्ट करते रहिए। हाँ, एक्चुअली जैसे पूजा ने कहा कि ये बड़ी बात है और छोटी फिल्मों के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि आपका दो तीन दिन में 4.3 मिलियन अभी हुआ है उस वक्त, तो इस तादाद में लोगों ने ट्रेलर को देखा। और दूसरी बात ये है कि जो मुझे पर्सनली फीडबैक मिला, लोगों ने इस फिल्म की ऑथेंटिसिटी या उसका जो लुक है वो लोगों को बहुत अच्छा लगा, लोग कह रहे हैं कि बहुत रियल फिल्म लग रही है, तो और इसके जो गाने हैं वो लोगों को पसंद आ रहे हैं, इसका जो म्यूज़िक है और किरदार जो भी थोड़ा बहुत सीन आप देख पाते हैं जो कि विवान ने किया है या संजय मिश्रा या हमारा या इसका सीन आता है, वो लोगों को, लोग उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। क्या बात मैम, मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहूँगी, पहली बात तो आपको हेड्स ऑफ कि आपने बहुत अच्छा कैरेक्टर किया, मैंने देखा जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मुझे बताइए कि आपने जो कैरेक्टर किया उसके लिए आपने कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा शख्स था जिसे फॉलो किया कि मैं इसके अंदर प्रॉपर जा पाऊँ उसके लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया, थोड़ी मैं ज़रूर घबराई हुई थी कि क्या, देखो एक तो मैं बिहार से हूँ तो वो मेरा कंफर्ट जोन तो है ही, लेकिन इस तरह की तबके की जो कि शेड्यूल कास्ट की कहानी है और बहुत ही गरीब, मतलब गरीब में से भी गरीब, जो सबसे अगर आप सोशल पिरामिड को देखेंगे उसमें जो सबसे नीचे पिरामिड में जो लोग हैं उनकी कहानी है, तो ऐसा किरदार मैंने अभी तक निभाया नहीं था, तो जाहिर है कि भाषा भी जो थी वो वैसे मैं हिंदी बोलती नहीं हूँ और वैसा दिखती नहीं हूँ, वैसी स्थितियों में रही नहीं हूँ, तो वो मेरे लिए ज़रूर एक चैलेंज था, लेकिन मुझे बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ी कि एक बार जैसे ही आप कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं, आप इन्वायरमेंट देखते हैं, आप देखते हैं आसपास की किस जगह शूटिंग हो रही है, तो आप खुद ब खुद एज एन एक्टर वो चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे आप अपने अंदर लाने लगते हैं। और मुझे संजय मिश्रा ने कहा, मैं पूछी कैसे तैयारी करूँ, उन्होंने कहा कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी व्यक्ति को रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारे व्यक्ति हमारे अंदर रहते हैं, आप अगर देखिएगा ध्यान से तो आप जिस स्थिति में पहुँचिएगा तो देखिएगा कि आप भी वैसे ही अमूमन बिहेव करने लगे हैं, तो ये हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत बड़ी कैपेसिटी है कि वी चेंज वेरी क्विकली। अगर मैं बहुत हाईफे पार्टी में जाऊँगी तो मेरा मैनरिज्म डिफरेंट हो जाएगा, और मैं गाँव में चली जाऊँगी तो मेरा मैनरिज्म डिफरेंट हो जाएगा, चूँकि हमारा एक्सपोजर है, अगर एक्सपोजर नहीं रहेगा तो आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन मेरा एक्सपोजर है, मैं हिंदुस्तान के गांव में भी रही हूँ, मैं जानती हूँ कि गांव में लोग कैसे बात करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं, और शहर में लोग कैसे रहते हैं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था। मैं जैसे आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे अभी आप और जैसे आपका कैरेक्टर, जी जी, ये ट्रांसफॉर्मेशन को जब आपके करीबी लोगों ने देखा तो आपको किस तरीके के रिप्लाई मिले? एक है गनी जिन्होंने कि अभी एक फिल्म डायरेक्ट की जिसमें प्रकाश झा ने काम किया था, उस फिल्म का नाम मट्टो की साइकिल, तो उनका ये था कि मैं आपको, सोनल झा, मैं आपको देख के चकित रह गया हूँ तो
इनफैक्ट लोग ऐसे नहीं पहचान पाते हैं, या उनको कुछ लोगों को तो बहुत शौक लगता है, उनको लगता है अरे ये क्या कर दिया, तो ये मेरे लिए अच्छा है, मुझे वो शौक वैल्यू अच्छा लग रहा है कि लोगों ने शायद इमेजिन नहीं किया था कि मेरे जैसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति ऐसा लग सकता है। तो जब मैं अगर कैरेक्टर जैसे लग रही हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि एक्चुअली मैं सोनल झा नहीं होके सहमुनिया ही लग रही हूँ। पूजा, आप अपने किरदार के बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या किस तरह का रोल देखने मिलेगा आपके किरदार? ये बेसिकली साक्षी नाम है इस किरदार का, 18 साल की लड़की है, बहुत ही चुलबुली है, पढ़ाई में काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसको ज़्यादा पढ़ाई करने देते नहीं है इसके घर वाले, क्योंकि वो फाइनेंशली इतनी स्ट्रांग रहते नहीं है। और कहीं ना कहीं ये माधव से मिलती है और इसको माधव से प्यार हो जाता है, बट ये माधव से अपना प्यार जाहिर नहीं कर पाती, दोनों ही नहीं कर पाते, क्योंकि इसको लगता है कि अपने ये अपने घर वालों को कैसे ही कन्विंस करेगी, क्योंकि माधव एक लो कास्ट से एक लो कास्ट का बंदा है और वो वेल बीइंग के लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि अभी वो छोटा है और छोटे जात से, और ज़्यादा खाने पीने के लिए उसके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, तो वो अपनी फैमिली को कैसे कन्विंस करेगी कि मुझे उससे शादी करनी है। तो ये किरदार है बेसिकली साक्षी का। पूजा, आपकी एक शो आया था सिया करके, जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, उसमें आपका किरदार मुझे स्पेशली काफ़ी अच्छा लगा, जिस तरह डायलॉग्स था, स्क्रिप्ट वाइज काफ़ी अच्छा था, एंड मुझे जिस तरह लगता है लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगा, तो इसमें किस तरह की उम्मीदें बनती है आपकी तरफ से? ये बेसिकली बहुत अलग फिल्म है मेरे लिए और ऑडियंस के लिए भी, और सिया एक बहुत ही अलग फिल्म थी, क्योंकि सिया रियल इंसिडेंट पे बेस्ड थी, जैसे कि आपने देखा होगा अगर फिल्म, तो ये दोनों ही जॉनर मेरे लिए बहुत डिफरेंट है, तो मैं काफी खुश हूँ कि मेरा कोई भी काम सिमिलर नहीं आ रहा है, कुछ अलग देखने को मिलेगा मुझे भी और ऑडियंस को भी। स्क्रिप्ट वाइज ऐसी अच्छी लगी, ये कोट की मैं बात करूँ, जिस तरह स्क्रिप्ट वाइज सिया का एक अलग ही स्क्रिप्ट था, एक रियल बेस पे बनी है, और कोट की जिस तरह मैं ट्रेलर देखता हूँ, अगर मेरे हाथ में ट्रेलर है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अलग मैसेज देना चाह रहा है, तो आपको किस तरह लगती है स्क्रिप्ट जब भी आपके पास आती है, तो किस तरह से आप देखते हो स्क्रिप्ट? जब मुझे इस फिल्म का नरेशन मिला था तो मैं थिएटर ही करती थी, और मैं यक्षगान के लिए गई थी कर्नाटका, एक डांस फॉर्म है वहाँ पे, वो एक्सप्लोर करने के लिए गई थी, तो जैसे ही स्क्रिप्ट मेरे पास आई, एक फ्रेंड के थ्रू आई थी, तो जब मुझे नरेशन मिला तो मैं काफ़ी एक्साइट हुई थी नरेशन सुन के, क्योंकि बहुत कनेक्ट फील कर पा रही थी एज अ ऑडियंस। पहले तो मैं अपने आप को एज एन ऑडियंस ही देखती हूँ, बाद में एज एन एक्टर देखती हूँ, क्योंकि अगर ये फिल्म एज एन ऑडियंस जब देखेगी तो हर एक अपर क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास, हर टाइप के इंसान इस फिल्म से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये फिल्म अपने आप में बहुत कुछ बोलती है, अगर आप देखेंगे इस फिल्म को तो कनेक्ट कर पाओगे आप। तो मैंने सोचा कि मुझे ऐसी ही फिल्म करनी है कि जहाँ मैं अपने आप को एज एन ऑडियंस कनेक्ट कर पाऊँ, कि मेरा किरदार कनेक्ट कर पाए ऑडियंस, तो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने आपको दिया। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जहाँ पर ये फिल्म की शूटिंग हुई, वहाँ पर जब शूटिंग के दौरान आपको क्या लगा, मतलब किस तरीके के रिस्पॉन्स आजू बाजू से आपको आ रहे थे और क्या फील कर पा रहे थे आप शूटिंग के दौरान? अरे बहुत मज़ेदार जगह थी वो, एक्चुअली हम लोग मे आई से चमार टोला जो एक खास कम्युनिटी है वो टोला ही था, उसी में एक घर जो छोटा सा एकदम वैसा ही घर बना दिया गया था जैसे वहाँ के लोग रहते हैं, और आसपास सारे लोग रह रहे थे, तो जब शूटिंग होती थी हमारा सीन होता था बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा हो जाते थे, एक तो संजय जी बहुत पॉपुलर है तो काफ़ी लोग संजय जी को देखने के लिए आते थे, लेकिन बहुत अच्छी बात ये थी कि एक उनको अगर बता दिया जाता था कि भाई शूटिंग चल रही है आवाज़ नहीं चाहिए, तो वो लोग आवाज़ नहीं करते थे, वो चुपचाप खड़े होकर दिन दिन भर शूटिंग देख रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं करते थे, और बहुत सहयोग करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शूटिंग कर रहे हैं, कुछ प्रॉप चाहिए, कुछ थाली चाहिए या लोटा चाहिए या ग्लास चाहिए और नहीं है, तो आप बगल के घर से मांग के ले आते थे तो इस तरह का मुझे लगा कि कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा इन लोगों को सपोर्ट मिला, क्योंकि उनके लिए भी नई बात थी, और वो तो चमत्कृत थे, उनके लिए तो वो नया अनुभव था, उन्होंने कभी कैमरा नहीं देखा, उन्होंने कभी साउंड का ये नहीं देखा, लाइट्स नहीं देखी, तो मुझे लगता है कि एक तरीके से ये उनके लिए मेला था जिसमें नई चीज़ वो देख रहे थे, चमत्कृत थे। लेकिन हाँ, हम लोग जिस सिचुएशन में शूट कर रहे थे, जाहिर है वो क्योंकि आप बॉम्बे में रहते हैं और आपको सारी फैसिलिटी मिलती है, तो वो एक तरह से मुश्किल तो था, क्योंकि वहाँ एसी नहीं है या फ़ैन नहीं है या अलग कोई सेपरेट वैनिटी नहीं है, चेंज करने की जगह नहीं है, खाना खाने के लिए कोई अलग जगह नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़, शाम को बहुत मच्छर होता था वहाँ पे, हम लोग बाहर में बैठे रहते थे, कभी कुछ जला दिया नहीं जलाया, लाइट्स नहीं रहती थी,
तो इन सारी मुश्किलों के बावजूद जब मुझे ये भी लगता है कि हमारा जो कम्युनिटी है, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एक्टर, ये जो भी अगर कुछ करने जाते हैं तो किसी भी स्थिति में करके ही निकलते हैं, ये हमारा स्पिरिट है. तो मुझे लगता है उस स्पिरिट को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से निभाया. संजय जी की कोई खास बात अगर आप शेयर करना चाहो, क्योंकि काफी सारी स्टोरी बन जाती है जितने भी लाइक जो संजय जी के साथ काम करते हैं, उनके साथ मैं अगर इंटरव्यू करूं तो अलग अलग स्टोरी रहती है उनकी. अरे संजय जी कमाल काम करना ही एक अद्भुत बात हो जाती है. अगर आप दोनों एक छोटी छोटी स्टोरी बोल दो. संजय जी के साथ तो बहुत मेरा समय बीता है, एक्चुअली उन्हीं के साथ मेरे ज्यादातर सीन थे. तो मेरे गाइडिंग फोर्स भी थे और एक तरह से हमारे लीडर भी थे. मैं, विवान और संजीव जी एक साथ ठहरे हुए थे तो एक ही साथ गाड़ी में जाते थे. उनको खाना बनाने का बहुत शौक है, खिलाने का बहुत शौक है. तो उनका पहला काम होता था, हम लोग गाड़ी से जा रहे थे, सब्जी मार्केट से गुजरते थे और अच्छा आज ये बनाएंगे आज ये ले लो, आज ये बनाएंगे आज ये ले लो. और जिस होटल में हम लोग ठहरे थे उसके मालिक से उन्होंने बात कर ली थी. शूटिंग खत्म होती थी वो जाते थे किचन में, खाना बनाते थे और फिर हम सब मिल के खाते थे. बहुत अच्छी मछली उन्होंने बना के खिलाई. और संजय जी की बहुत बड़ी क्वालिटी जो कि मुझे सीखने को मिली, जब हम लोग जाते हैं तो बहुत सारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये सुविधा रहनी चाहिए, बहुत नहीं लेकिन फिर भी मिनिमम में भी तो कुछ तो चाहिए. जैसे क्लीनिनेस का मैटर था कि साफ बाथरूम होना चाहिए, खाना जहाँ खा रहे हैं वहाँ हाथ धोने की सुविधा होनी चाहिए, साफ जगह से चाय बन मिलनी चाहिए. तो संजय जी को मैंने देखा कि उन्होंने अपने को डी क्लास कर लिया पूरी तरीके से. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कैसे जगह पे बैठे हैं, क्या सुविधा है. वो मुझे बहुत उनको उनसे सीखने को मिला. ये व्यक्ति जो कि इतना काम करके आ चुका है, ये जब कुछ सिचुएशन को देख के वो एडजस्ट करे तो फिर मैं क्या हूँ. यू कांट डिमांड, सो देन यू हैव दिस क्या कहें, दैट ही रियली इंस्पायर्ड अस स्पेशली मी. सो आई कीप गिविंग दिस एग्जांपल टू एवरीबॉडी कि यार संजय मिश्रा तो कमाल के व्यक्ति हैं और एकदम ही फसी नहीं है, कोई उनका डिमांड नहीं है, जो कि बहुत मुश्किल है उस तरीके के जोन में जाना. जब आप काम करते हैं, थके रहते हैं, आपको मन करता है कि बेसिक सुविधा तो आपको मिलनी चाहिए, लेकिन वो कमाल के आदमी है. पूजा कुछ लाइनें ऐड करना चाहूंगी. जैसे कि सोनल मैम ने बोला कि वो बहुत ग्राउंडेड है, ये मुझे लगा था उनको उनको देख के समझ में आ गया था कि बहुत ग्राउंडेड है. बट एक इंसिडेंट हुआ था कि मैं बैठी हुई थी, शूट से कम्प्लीट होके हम आ गए थे, नहीं शूट हमारा चल रहा था, सॉरी शूट हमारा चल रहा था, मेरा सीन रुका हुआ था और संजय सर का भी शूट रुका हुआ था, उनका सीन नहीं था. तो मैं ऐसी बैठी थी, मैं शांत बैठी थी क्योंकि मुझे उनसे डर लग रहा था, मैं उनसे बात कैसे करूँ, ये बहुत बड़े, मतलब मेरे दिमाग में था बहुत बड़े एक्टर हैं, ये क्या ही मुझसे बात करेंगे, क्या बात करेंगे मुझसे और मैं भी इनसे क्या बात करूँ. तो मैं ऐसी बैठी हुई थी, उनने मुझसे खुद से पूछा मछली खाती हो, मैं नहीं खाती मछली. तो फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं आ जाना मैं बनाऊँगा. और फिर यूपी का एक बहुत बहुत फेवरेट डिश है, उसको निमूना बोलते हैं यूपी में, तो निमूना वो बहुत अच्छा बनाते हैं. तो उन्होंने जब निमूना बनाया तो मेरे पापा भी निमूना बोल से बनाते, तो उन्होंने साथ में करके बनाया था. तो वो मेरे लिए बहुत ऐसा डिफरेंट था कि इतना बड़ा एक्टर, इतना बड़ा आदमी, वो सामने बैठ के निमूना बना रहे हैं, वो खिला रहे हैं, तो पूरा उसी हाथ से खा भी रहे हैं. मेरे लिए वो बहुत बड़ा स्पेशल था. थैंक यू सो मच. थैंक यू.